अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज़ माय डे 6 इन कनाडा। तो गाइस, आज जो हमें काम करना है उसमें से एक काम है कि हमें अपने लिए एक कार देखनी है। तो मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस पर काफ़ी लोगों को मैसेज किया है, मेरे को एक दो गाड़ियाँ अच्छी लगी, तो आई विल ट्राई टू कनेक्ट विद देम कि भाई जाके मैं एक बार चेक कर सकूँ गाड़ी कैसी है एक्चुअल कंडीशन में। तो आज हमारा ये काम है गाड़ी लेना, तो देखते हैं कैसी कैसी गाड़ियाँ मिलती हैं हमें, और जो भी हमें गाड़ी पसंद आएगी वो गाड़ी हम ले लेंगे, क्योंकि मुझे यार बड़ी दिक्कत हो रही है आने जाने की, तो इसलिए जल्दी से जल्दी मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ। और शायद फिर कुछ दिनों के बाद हम जहाँ पे अभी रह रहे हैं ये जगह भी चेंज कर दें, क्योंकि ये काफ़ी छोटी है। तो गाड़ी मिलने के बाद शिफ्टिंग ईजी हो जाएगी, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ। तो कल की वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने मतलब लेसन लिया, एक ही लेसन के अंदर मुझे रोड का आइडिया लग चुका है वैसे कि भाई यहाँ पर कैसे गाड़ी चलानी है। तो अपनी खुद की गाड़ी होगी तो और ज़्यादा मैं अच्छे से सीख पाऊँगा जल्दी जल्दी, और मेरे पास लर्निंग लाइसेंस तो है ही, मतलब जो मैंने नॉलेज टेस्ट दिया था, और उसके बाद मेरे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी है, तो मैं गाड़ी चला सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो आज मैंने चलाई भी थी तो काफ़ी ठीक रहा, तो इसीलिए अब गाड़ी लेने में अपने को कोई दिक्कत है नहीं। वैसे हाँ, बस पैसे नहीं है, लेकिन वो हो जाएगा, फाइनेंस हो जाती है यहाँ पे भी, तो देखेंगे फाइनेंस कैसे होती है, मेरे डॉक्यूमेंट्स पे हो जाएगी या नहीं होगी, वो सब आपको बता दूँगा। बाकी कोशिश करता हूँ कैश में भी ले सकते हैं, फिर डिपेंड करता है कि मुझे कैसी गाड़ी मिल रही है और क्या प्राइस है। तो दोनों ऑप्शन है मेरे पास, कैश वाला भी है मेरे पास। ये वजू खाना है यहाँ पे मस्जिद में, आज खाली था तो मैंने सोचा आपको वीडियो बना के दिखा। फायर अलार्म, जब आप यहाँ पे कुकिंग करते हैं ना तो ध्यान से करनी चाहिए, वरना ये फायर अलार्म होता है। अभी हमने गेट खोल दिया है तो इसलिए ये बंद हो गया। तो ये है हमारा इंडियन कुकिंग स्टाइल। कितना ब्राइट डे है आज, तो अपना कौन सा दिन आज, डे सिक्स है हमारा। तो अभी मैं जा रहा हूँ कुछ ग्रॉसरी के लिए, मुझे चाहिए। ओ भाई, बाइक चेक करो तुम, वो वाली कहानी मैं बाद में बताता हूँ। कितनी सही लग रही है खड़ी हुई है, हार्ले है शायद, है ना। चलो, तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ ग्रॉसरी के लिए, मुझे कुछ चिकन लेना है आज, टमाटर लेना है। आज तुम्हारा भाई चिकन अपने हाथ से खुद बनाएगा, आता है मेरे को यार, कभी कभी मैं घर पर बना लेता था, बच्चों को पता है मेरे घर पर कि मैं कैसा बनाता हूँ, तो आज वो मैं ट्राई करने वाला हूँ यहाँ पर। तो अभी मैं जा रहा हूँ फ्रेशको ग्रॉसरी के लिए, तो लेने के बाद। और हाँ, गाड़ी के लिए भाई पिछले 2 घंटे से ट्राई कर रहा था, 2 घंटे में अभी तक एक भी गाड़ी ढंग की नहीं मिली। अच्छा, वो ही यार, यहाँ पे ना रीबिल्ड टाइटल वगैरह इन सब चीज़ों का बड़ा इशू है, और भाई यहाँ पर इंश्योरेंस बड़ा महंगा है, मतलब $300 मंथली है भाई, मतलब $600 भी बताया मुझे अभी एक दोस्त से बात हुई ओंटारियो में, तो उसने बोला कि मैं $600 मतलब इंश्योरेंस पे कर रहा हूँ मंथली। तो भाई $600, 36,000 रुपये महीना वो सिर्फ इंश्योरेंस में लगभग पे कर रहा है, तो भाई इंश्योरेंस इतना ज़्यादा हाई है यहाँ पर। तो मुझे भी यार मतलब इंश्योरेंस का इतना आइडिया नहीं था, तो लोगों से बात कर करके हो रहा है। तो एक बंदे से बात हुई, वो बोल रहा है यार गाड़ी देखने के लिए, सिविक के लिए 2018 मॉडल, $18,000 उसने बोले हैं, लेकिन यार मेरे घर से बहुत दूर है, डेढ़ घंटे का रास्ता है। तो मैंने उसको मैसेज किया, भाई तो इधर आसपास आ सकता है तो दिखा दे, देखते हैं अगर वो आता है तो, वरना तो भाई सर्चिंग चली रही है, फिर मैं वीकेंड पे जाऊंगा या फिर जैसे भी कोई अच्छा सा अगर आसपास मिलेगा तो मैं जाऊँगा देखने के लिए। फ़िलहाल ग्रॉसरी के लिए जा रहे हैं, वहाँ से वो पराठा वराठा लेते हैं, जो भी लेते हैं। अभी मैसेज करता हूँ मैं, अपनी समझ जाओ बस तुम उनको, तो उनसे पूछता हूँ कि भाई क्या क्या लेकर आना है। 1.4 किलोमीटर है फ्रेश को यहाँ से भी। ये है सिनेमाज साइनप्लेक्स, तो यहाँ पे देखी जा सकती है मूवी, इसको भी आके देखेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे किसी दिन। तो भाई 20 मिनट की वॉक थी, जिसको अपना घर खुद से रिपेयर करना है तो उसके लिए अगर टूल्स की ज़रूरत है तो यहाँ पर वो खुद से ले सकते हो आप,
और अपना घर खुद से बना सकते हो, क्योंकि यार यहाँ पर ना रिपेयरिंग कॉस्ट, तो यहाँ पे ना ये देखो ये फेंसिंग वगैरह से लो रही है, आप इसका प्राइस देखो, ये लिखा हुआ 193। तो ऐसे ही ये सारी फेंसिंग है, तो ऐसे ही बिकता है यहाँ पे। और ये ना वैन को भी आप रेंट पे ले सकते हो, कि आपको अपना घर शिफ्ट वगैरह करना है तो उसके लिए वैन की ज़रूरत है, तो ये सब भी रेंट पे लेने के बाद ना भाई वो वैन खुद चलानी है और वो जो टूल्स हैं खुद इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं है कोई बंदा उसको इस्तेमाल करने आएगा। तो रेंट का मतलब यही है, ये है कि बस आपके जो ले। और ये सब पौधे भी सेल हो रहे हैं, काफ़ी महंगा नहीं है यार ये $20, ये वाला, ये सारे $20-$20 के हैं, तो लगभग 1200 रुपये ये सब, काफ़ी महंगा है। लेकिन यहाँ के हिसाब से क्या है भाई, ये पता नहीं क्या है, खाद है क्या है? शायद मुझे नहीं पता क्या है। अरे भाई यहाँ तो और भी बहुत सारे बिक रहे हैं, सारे यही सब चीज़ें हैं यहाँ पर लग रहा है, सारे के सारे यही बिक रहे हैं यहाँ पर अलग अलग। ये हम पहुँच गए फ्रेश को, तो मुझे पता चला है यहाँ पर फ्रेश चिकन भी मिलता है बिफोर 5 तक, तो 5 बजे से पहले पहले ये लोग चिकन को हैंड टू हैंड। खुल जा सिम सिम। तो भाई हम फ्रेश को आ गए, एक बास्केट ले ली जाए। सबसे पहले यहाँ टमाटर रखे हुए हैं, टमाटर का रेट है भाई $6.59 पे। देखो भाई तुम नींबू का साइज, ये नींबू है इतना बड़ा, हद दो भाई, ये वाला भी नींबू देखो। तो हमें यहाँ से अब लेना है चिकन 1 किलो। तो बढ़िया बढ़िया सामान दिख रहा है यहाँ, तो ये है 1.192 केजी, जिसका प्राइस है $15.21। मैरिनेटेड है बीबीक्यू के लिए, भाई साहब मस्त ऑप्शन है यार यहाँ तो, बहुत सारा चिकन का तो दबा के ऑप्शन है भाई, चिकन मटन फिश सब कुछ है और बहुत ऑप्शन है। इस पर कोई डेट वगैरह भी लिखे क्या? पैक्ड ऑन, बकरा भी मिल रहा है, किसी को चाहिए तो ले जा सकता है पूरा बकरा एकदम। पराठा और नान वगैरह सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, पनीर पराठा गड़म शगड़म सब चीज़ें हैं यहाँ पर। तो हमें लेना है सबसे पहले तो एक पराठा, ये जो हम बना के खा रहे थे ना काफ़ी टेस्टी था, तो एक पैकेट ये लो। और एक लेते हैं होल व्हीट नान, तो दो चीज़ें हो गई, क्योंकि आज चिकन बनाऊंगा ना मैं, तो उसके साथ हम नान का इस्तेमाल करेंगे। और तो यहाँ पे लिमका वगैरह थम्स अप मिरिंडा सब मिल रही है, तो ये सब यहाँ पे ना इम्पोर्टेड हो गई है भैया, तो ये $2 की है, ये $2.50 की है, पेप्सी थम्स अप $3 है, तो अलग अलग प्राइस हो गया अब इसका यहाँ पे महंगे। जैसे अपने इंडिया में यहाँ से कुछ इम्पोर्टेड मतलब यहाँ का जो सामान होता है वो इम्पोर्टेड हो जाता है, तो ऐसे ही इंडिया की चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेड हो गई। 5 रुपये वाला पार्ले जी अपने यहाँ जो मिलता है, यहाँ पे लगभग 30 या 35 रुपये का हो गया है। तो यहाँ पे बिस्किट सारे मिल रहे हैं, ये देखो गुड्डे भी भाई लगभग 60-90 रुपये का है 10 वाला। तो यहाँ की जो चीज़ें होंगी जो अपने इंडिया में नहीं मिलती होगी वो सस्ती मिलेगी वो इंडिया। भाई यहाँ पे बिक रहा है कायम चूरन, तो कायम चूरन के बारे में शायद आप लोगों को पता होगा इफ़ यू आर इंडियन, तो हमारे इंडिया में कायम चूरन बहुत मिलता था। तो यहाँ पे देखो डाबर के प्रोडक्ट भी हैं, डाबर वाटी का पैराशूट वगैरह, लेकिन भाई सब कुछ इंडिया से बहुत महंगा है यहाँ पर, ये सब चीज़ें हैं। तो ये इंडियन दूध वगैरह हाथ में ले लिया, सामान बैग में भर लिया, अब यहाँ से मैंने सोचा कि पैदल ना जाके बस स्टॉप, छोटी सी बस जो अभी हमने ली है, इतना पैदल चल लिया हूँ कि भाई अब तो जान बची नहीं है कि कुछ जाके बनाऊँ। लेकिन तो आज मैं सुनना चाहता हूँ अपनी तारीफ़,
कि हाँ भाई मैं खाना अच्छा बनाता हूँ। तो उसके लिए गाइस पूरी जाल लगा देंगे खाना बनाने में, ठीक है। जो मैं कहा था ना भाई हार्ले, तो हार्ली है ये देखो। तो बैक टू होम वाली चीज़ अभी स्किप हो गई है। अभी ये अंडा और नान बनाया मैंने खाने के लिए, थोड़ी सी भूख लगी थी। चिकन का मामला इसलिए स्किप कर दिया क्योंकि मुझे ये नहीं पता प्याज कहाँ रखी हुई है। मैंने सारे में ढूंढ ली, और वो लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है वो भी नहीं पता कहाँ रखा हुआ है। तो दही भी नहीं है हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, तो मैंने वो साइड कर दिया, ठीक है। जब ये सारा सामान, और यहाँ पे हमने भी पंखा चला रखा है, गर्मी लग रही थी तो कनाडा में भी पंखे का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे भी समर चल रहा है तो भाई यहाँ पर भी गर्मी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ पंखे से बहुत आराम है पंखा। तो इस डे सिक्स में मैं आपको बताना चाहूँगा आज हमने कुछ स्पेशल तो किया नहीं, बस हमने ग्रॉसरी वगैरह खरीदी। तो ग्रॉसरी खरीदने के बाद हम घर आ गए, उसके बाद हमें चिकन बनाना था, सामान नहीं मिला कोई नहीं। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले अभी रात के 2 या 3 पता नहीं कितने बज रहे हैं, तो मैं रीशेड्यूल कर रहा था अपना अपॉइंटमेंट। तो जो नवंबर का अपॉइंटमेंट मिला था, 2 बार मैंने रीशेड्यूल करा, वो मुझे मिल गया 6 अगस्त। अब मुझे चाहिए कार की ट्रेनिंग लाइसेंस जो अभी हमने लिए थे और वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो उन्हीं भैया को मैं फिर से कॉल करूँगा और उनको बोलूँगा लेसन के लिए, तो एक और ले लेते हैं। उसके बाद देखता हूँ कहीं पर ना रेंटल कार मिल जाए, तो प्रैक्टिस करने के लिए एक रेंटल कार होगी तो प्रैक्टिस भी। मिलते हैं मगर।